हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपका देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका डायपोल या फिर द्विध्रुव क्या होता है, तो वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि डायपोल मोमेंट, डायपोल को हम हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, डायपोल मोमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख ली थी कि डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट आपके क्या चीज़ होती है। तो आज हम जो देखेंगे आपके कि डायपोल के कारण आपके किसी पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे सबसे पहले, और फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक डायपोल को। तो डायपोल होता है कि आपके दो इक्वल क्वांटिटी के जो आपके चार्ज हैं अपोजिट साइन के, वो किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लिए, 2a। तो माइनस क्यू और क्यू आपके दो द्विध्रुव है, ठीक है। और यहाँ कोई पॉइंट आपका P है और P की आपके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R दे रखी है। ये आपका मिड पॉइंट है जिसको हमने O लिखा है और ये A हो गया, ठीक है। O की आपके ये पॉइंट A मान लेंगे, B मान लेंगे, ये पॉइंट आपका A है। P की B से दूरी आपकी R2 है और P की प्लस Q से आपकी दूरी क्या है, R1 है। ये चीज़ आपके क्लियर है। तो अब आपका जब अगर आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना पड़े तो आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, माइनस Q के कारण पॉइंट P पर आपके पोटेंशियल क्या होगा, उसको हमने क्या लिखा है, V2। तो सिंपली पोटेंशियल के आपके डेफिनेशन जो आपके पास आता है वो आपके क्या आती है, वैल्यू वी इज इक्वल्स टू के क्यू और उनके बीच की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपने निकालना है उसके डिस्टेंस, और ये आपके पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो आपका होता है V1, जो है आपके प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो होगा वो होगा क्यू प्लस R1। इसी तरह से V2 माइनस क्यू चार्ज के कारण जो आपके पोटेंशियल आएगा वो आएगा ये। अब अगर हम डायग्राम में ठीक से देखें तो मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका पॉइंट P है, ये R है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस A है, ये आपके पास R2 है, ये R1 है, ये आपके पास R डिस्टेंस है, ये पॉइंट O है, ये B है और ये A है। ये जो एंगल है वो आपको थीटा है, तो आपको पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या करेंगे, आपको एक लंब ड्रॉ करना है प्लस क्यू से पॉइंट ए से इस पॉइंट डी तक, ये आपको एक लंब ड्रॉ करना है। इसी तरह से पॉइंट बी से आपको लंब ड्रॉ करना है किस पे, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं ओ पॉइंट को, तो ये आपको एक ये एक लंब ड्रॉ कर रहा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसको मैं क्लियरली दिखाऊं तो ये इस तरह से कुछ आपके है, ये थीटा एंगल है, ये ए पॉइंट है और ये आपके आर जा रही है, ये एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और एक परपेंडिकुलर हमने इस तरह से कुछ आपके ड्रॉ किया है इसके ऊपर, ये आपका एक लम्ब ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ से आप R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे।
तो अगर त्रिभुज OAD की अगर आप बात करें, ये त्रिभुज की अगर आप बात करें, तो त्रिभुज OAD से आप क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण है आपका OA, आधार है OD, तो यहाँ से OD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो OD की वैल्यू आपके पास आएगी OA कॉस थीटा, और OA आपके पास क्या है, जो ये लेंथ है, क्योंकि वो आपका मिड पॉइंट है, तो OA की लेंथ हो जाएगी A कॉस थीटा। इधर से हमें OD की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आप त्रिभुज BOC में अगर आप देखें, तो BOC आपका ये था, BOC त्रिभुज में आपके OC की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तो OC की वैल्यू आएगी OA कॉस थीटा। OA आपके पास A है, और कॉस थीटा, यहाँ से OC की वैल्यू आ गई। अब आपको R1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तो R1 आपके पास क्या आएगा, तो अगर हम R1 की बात करें, तो R1 क्या है, OP माइनस OD, तो यहाँ से OP आपके पास R है, और OD है A cos थीटा। इसी तरह से R2 आपके पास क्या है, OP प्लस OC, तो OP है R, OC है A cos थीटा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल की अगर आप बात करें डायपोल के कारण, विद्युत विभव की अगर आप बात करें डायपोल के कारण, तो आपके पास क्या होगा, उसको हम V बोल सकते हैं। V होगा V1 प्लस V2। V1 आपके पास क्या है, KQ R1 KQ माइनस R2। यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे, KQ कॉमन है, तो R1 आपके पास है माइनस कॉस थीटा माइनस का A कॉस थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो के क्यू 2A कॉस थीटा पौन में R² A² कॉस थीटा। डायपोल मोमेंट आपका क्या चीज़ होती है, डायपोल मोमेंट की हमने बात की थी, वो होती है आपके, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई में उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपका डायपोल मोमेंट, या फिर द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें, तो क्रॉस को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं केपी कॉस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, द्विध्रुव के कारण आपके किसी पॉइंट पी पर विद्युत विभव। अगर आपका डायपोल, अगर आपके डायपोल की जो डिस्टेंस है, डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस है 2a, और जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है, वो अगर आपके ये डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम है, मतलब a वेरी वेरी लेस देन r है, तो आप सिंपली जो पोटेंशियल है उसको लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा। आपके पास क्या आया था, R² माइनस A² cos² थीटा। तो ये सिंपली आपका बन जाएगा के पी कॉस थीटा R² और इसको अगर हम थोड़ा ठीक से लिखें, तो हम लिख सकते हैं के ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा कुछ ये टर्म आपके पास आ जाएगी। ओके, तो ये आपका आ गया पोटेंशियल। स्पेशल केस आप कंसिडर कर सकते हैं, जब कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या आएगा। तो अगर हम स्पेशल केस देखें, तो अगर अगर आपका जो पॉइंट पी है, वो आपके डायपोल की एक्सेस, जो डायपोल की एक्सेस है वो ये होगी, तो डायपोल के एक्सेस पे ही लाए करे, तो करे
तो आपके पास क्या आएगा, मतलब पी पॉइंट यहीं स्थित हो, इन दोनों के बीच में ही कहीं स्थित हो, तो कॉस थीटा उस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो उस केस में आपके पास पोटेंशियल आएगा के पी आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपका पॉइंट पी है वो आपका लंबवत इक्विटोरियल पोजीशन में हो, मतलब क्या थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया किसके कारण, डायपोल के कारण पोटेंशियल आ गया। तो हम सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। ई इजिकल्स टू हमने क्या पढ़ा था, डेल साय या फिर माइनस का डेल बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या करो, डेल ले लो किसका, बी का, बी क्या है आपके पास, विद्युत विभव। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल हमने निकाला है वो आर और थीटा की फॉर्म में है, तो डेल को अगर हम आर और थीटा की फॉर्म में, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आपके इक्वेशन को, माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ओके, ई आर की फॉर्म में, ठीक है, और ई थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि डी एक्स आपका क्या होगा, डी आर, और डी वाई आपके पास क्या होगा, आर डी थीटा। ओके, और यहाँ पे हमने जेड कंपोनेंट को क्या लिया है, 0 लिया है। ओके, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपके ई आर डेल अपॉन डेल आर के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ई आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर, ये आपके पास आएगी ई आर की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम ई थीटा की वैल्यू निकालें तो ई थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये आपके दो क्या निकल गए, ई आर और ई थीटा। ठीक है, टोटल आपको अगर पोटेंशियल निकालना पड़े, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, तो क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके क्या होगा, पॉइंट पी पर ई इजिकल्स टू ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आई है 2 के पी कॉस थीटा आर क्यूब स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा स्क्वायर आर क्यूब। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे जो आपके पास आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं के पी आर क्यूब 3 cos² थीटा प्लस 1। तो इस तरह से आपके क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू डायपोल, तो यहाँ आपके पास ई की वैल्यू आ गई। सो इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें एक्सेल पोजीशन में, जब आपका थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, के पी आर स्क्वायर उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये निकल के आएगा, और ई आर, और ई आर आपके पास निकल के आएगा 2 के पी आर क्यू, और ई थीटा क्या होगा उस कंडीशन में, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है हमने, जो आपके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्पेशल केस हमने कंसिडर किया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपके इसी टॉपिक पे आधारित है। तो आपके दो हमने आयंस लिए हैं Na+ और Cl-,
ये दोनों एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट पी दे रखा है, ये एन ए प्लस है, ये सी एल माइनस है, एक एंगस्ट्रॉम की, जो उसकी दूरी कितनी है, एक एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर, जो कि कितने दूरी पर है, 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो आपको उसके कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।